नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टर संगम वर्ल्ड टीवी। आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पांच शहरों के नाम किस प्रकार रखेगा ये बताता हूँ। लखनऊ, लक्ष्मणपुरा इसका नाम था पहले, राम जी ने इसे लक्ष्मण जी को समर्पित करा था इसलिए इसका नाम लक्ष्मणपुरा पड़ा। और कुछ लोग का मत यह भी है कि यहाँ की राजा लाखन की पत्नी लखनावती के नाम पर भी पड़ा गया, या नवाबों द्वारा इसका नाम लखनऊ रखा गया। ठीक है, लखनऊ काफ़ी प्राचीन शहर है, नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। गोरखपुर इसके बाद है हमारी श्रेणी में। गोरखपुर जिले में पहले बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ आदि जिले शामिल थे। विद्वानों का मत यह भी है कि इसका नाम हिंदू संत गोरक्षनाथ के नाम पर भी गोरखपुर रखा गया। आगरा, आगरा एक ऐतिहासिक नगर है जिसके प्रमाण इसके ऐतिहासिक रूप से मुगल काल के से जाना जाता है, लेकिन इसका संबंध 1000 ईसा पूर्व महर्षि अंगिरा से है। इसका सर्वप्रथम जिक्र महाभारत में के समय माना जाता है, जब इसे अग्रबाण या अग्रवान के नाम से संबोधित किया जाता था। कुछ मत यह भी कि पहले यह नगर आर्यग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तौलमी प्रथम व्यक्ति था जिसने आगरा का नाम संबोधित किया। इसकी श्रेणी में हमारा है वाराणसी। इसके बाद वाराणसी में क्या कहते हैं, इसके अंदर है 11वीं पीढ़ी के राजा कास के नाम पर काशी पड़ा। वही वाराणसी नाम पड़ने के बारे में अर्थवेद वेद में वाराणसी को वर्णावती नदी से संबोधित किया जाता कहा गया है। वर्णा से ही वाराणसी शब्द बना है। और कुछ का मत यह भी कि वरुणा व अस्सी घाट के बीच में बसा हुआ इसका नाम वाराणसी पड़ा। और इसके अंदर इसमें इसका नाम पांच प्रमुख हैं, काशी, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंद कानन और शमशान या महाशमशान। इसका इलाहाबाद प्रयागराज जिसे कहते हैं, ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इलाहाबाद पहले प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसका जाना जाता है 1526 ईस्वी में यह पौराणिक भूमि मुगलों के अधीन हो गई, अतः मुगल शासक अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर अलाहाबाद कर दिया। अल्लाह का मतलब तो आप जानते ही हैं इसके बाद, और आबाद का मतलब होता है बसाया हुआ, इसीलिए इसका नाम इसे भी बोलचाल की भाषा में इलाहाबाद कहा जाने लगा। और प्रयाग जो नाम इसका पड़ा वो पुराणों के अनुसार, पुराणों में हिंदू धर्म को प्रथम मान्यता के अनुसार इस पर भूमि में ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था, यज्ञ संपन्न किया था। प्रया से प्रथम और या से यज्ञ मिलकर इसका नाम प्रयाग पड़ा। इसे तीर्थों के राजा से राजा संगम नगरी से भी जाना जाता है। बाय दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।